भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी पहुंचे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। देश में कोविड के 267 नए मामलों की पहचान हुई। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं टीकाकरण शिविर। और भिलाई में आज से शुरू हुई यूथ कप फुटबॉल प्रतियोगिता, देश भर की टीमों के खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी पहुंचे। उन्होंने नवागढ़ में गौठान समिति के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। ग्राम दाढ़ी में मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से बातचीत की और गौठानों में चारे पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। इससे पहले कल बेमेतरा विधानसभा के ग्राम देवर बीजा में उन्होंने भूमिहीन श्रमिकों से मुलाकात की। साथ ही ग्राम पंचायत देवर बीजा को नवीन उप तहसील बनाने, शासकीय हाई स्कूल परपोड़ा का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, केश डबरी में धान खरीदी उपकेंद्र स्थापना और ग्राम सल्धा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। उनका जन्म पट्टा के साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व पर गुरु गोविंद सिंह का पुण्य स्मरण करते हुए मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का अद्वितीय साहस सदैव लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर आज बिहार में गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर साहिब में आधी रात को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 268 नए मामलों की पहचान हुई है और 182 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,552 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 99,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के कई देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना पर सतर्कता बरतते हुए देश भर के अस्पतालों को तैयारियां परखने के लिए मॉकड्रिल करने को कहा था। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी सभी जिला चिकित्सालयों में मॉकड्रिल किया गया। मुंगेली जिले में कलेक्टर राहुल देव और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पैकरा की निगरानी में मॉक ड्रिल की गई। इस बारे में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना के किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में स्टाफ और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। कि अगर संभावित कोरोना की लहर आती है तो किस प्रकार से जिला प्रशासन मुंगेली उससे निपट पाएगा, और इसके लिए हमारे द्वारा बेड्स को देखा गया, वेंटिलेटर्स को देखा गया, ऑक्सीजन प्लांट की वर्किंग के ऊपर बात की गई है। और मुझे लगता है कि कोविड वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि ना आए, लेकिन अगर आता है तो हम किसी प्रकार की स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मॉक ड्रिल में कोविड के नए वेरिएंट से बचाव के लिए जीवन रक्षक उपकरणों की जांच कर क्रियाशील करने और ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अभ्यास भी किया गया।
जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया, जहां काफी तादाद में ग्रामीण पहुंचे और वैक्सीनेशन कराया। अकलतरा के विकास खंड चिकित्सा अधिकारी महेंद्र सोनी ने बताया कि सभी स्कूलों में बच्चों का और छूटे हुए लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आज 29/12 को 2022 में शासन के आदेशानुसार कोवैक्सीन का प्रिकॉशन डोज सब पब्लिक को लगाया जा रहा है, जिसमें कि 30 स्कूलों में भी लगाया जा रहा है जो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं अकलतरा के। सभी जगह आज बच्चों को भी लगाया जा रहा है, जिसका छूटे हुए हितग्राही थे उनकी लिस्ट हमको दी गई है, उसी हिसाब से हमने सब प्रिंसिपल्स को बता दिए हैं, DO साहब को भी बता दिए हैं, और उस हिसाब से सब हितग्राही पहुँच जाएंगे, अपना टीकाकरण लगवा लेंगे। टीका लगाने आए लोगों ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वे टीका लगाने पहुंचे हैं। बूस्टर डोज आप भी लगवाइए, परिवार को भी लगवाइए, जरूरी है। 2 वैक्सीन लग चुकी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंटीबॉडी बनती है इस कोरोना वायरस से, बचाव है इसके लिए। मैं कोविशील्ड डोज का तीसरा बूस्टर डोज लगवाया, और आप सभी लोग को भी इसको लगवाना बहुत जरूरी है सभी के लिए। और आजकल जो है कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसके लिए जो है आप लोग को सभी लोगों को जो है लगवाना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी आइए और वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, और हर किसी को, हर नागरिक को भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। आज के शिविर में छूटे हुए लोगों को प्रथम, द्वितीय और बूस्टर डोज लगाई गई। इसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ NCC के गणतंत्र दिवस कॉन्टिजेंट को रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने दिल्ली जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। NCC कैंप साइट लखोली में 27 छत्तीसगढ़ NCC बटालियन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के बाद ये सभी कैडेट्स दिल्ली में होने वाली चयन परेड में शामिल होंगे। इनमें से चयनित कैडेट को 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस बारे में रायपुर के ग्रुप कमांडर AK दास ने बताया कि करीब 136 सदस्यीय दल में एक अफसर, 5 ANO, 3 PI स्टाफ, 121 कैडेट्स और 6 सिविल स्टाफ दिल्ली जा रहे हैं। रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बार रिपब्लिक डे परेड की सिलेक्शन टीम की जिम्मेदारी रायपुर ग्रुप को दी गई थी। पिछले 1.5 महीने से यह सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, और फाइनली आज 121 बच्चों का कंटिंजेंट, जिसको कि हम रिपब्लिक डे कंटिंजेंट बोलते हैं, 121 बच्चों का रिपब्लिक कंटिंजेंट रवाना हो रही है दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने के लिए, जिसमें करीबन 32 बच्चे सिर्फ छत्तीसगढ़ से हैं, बाकी मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों से करीब 121 कैडेट्स दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी उत्साहित हैं। हर्ष और उल्लास का विषय है, मैंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, मेरे साथ वालों ने काफ़ी मेहनत की है, मुझे सिखाने वालों ने काफ़ी मेहनत की है, तो उसका फल हम दिल्ली में प्रदर्शित करके दिखाएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार MPCG टॉप 3 में आएगा। वो पिछले 5 से 6 महीने से इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जो अब दिल्ली में जाकर अपने दोनों प्रदेशों को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ये बहुत ही गौरव की बात है हम सबके लिए, और हम वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैसा कि हम करेंगे भी, और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट को टॉप 3 पोजिशन में तो ला कर ही दिखाएंगे। NCC के फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शामिल रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए कैडेट्स को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। एनसीसी कैडेट का प्रशिक्षण शिविर यहां पर चल रहा है, मध्य प्रदेश के कैडेट और छत्तीसगढ़ कैडेट जिनका चयन दिल्ली के लिए हुआ है, और वहां जाकर ये हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको बता दें कि करीब 121 कैडेट्स ने प्रशिक्षण में भाग लिया, अब वे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां विभिन्न प्रदेशों के कैडेट्स भी आएंगे, और उनमें से चयनित कैडेट ही गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे।
कोंडागांव जिले में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने 27% आरक्षण देने के साथ ही 6 अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान कोंडागांव में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। समाज के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम भी किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग सड़क से हटे और चक्का जाम खत्म किया। बाद में समाज के लोगों ने नारायणपुर तिराहा में समाज के लोगों ने धरना देकर कोंडागांव के एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले के भिलाई में यूथ कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों की करीब 50 टीमें शामिल हो रही हैं। 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी यहाँ पहुंचे हैं। मैं हम लोग देखें कि नारायणपुर के बच्चे जो हैं, वहाँ के जो हमारे अबूझमाड़ के बच्चे, नारायणपुर के बच्चे, काकेर के बच्चे बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते और हम इसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ ये लोग फुटबॉल भी खेले, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। और इसी तहत हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसलिए हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफर किया कि इस टूर्नामेंट के लिए हम लोग देंगे ताकि ये टूर्नामेंट यहाँ पर हो पाए और नारायणपुर के जो हमारे बच्चे वो खेल पाए और पूरे नारायणपुर के छत्तीसगढ़ के बच्चे खेले यहाँ पर। कार्यक्रम में शामिल नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन के स्वामी कृष्णा अमृतानंद ने कहा कि कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का सहयोग है। फुटबॉल अकेडमी जो चैंपियन है अंडर 14, अंडर 17 और सीनियर लीग में भी, अभी हमारे सीनियर लीग जो है आई लीग सेकंड डिवीजन के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और अंडर 17 का टीम अभी ये जो है हीरो अंडर 17 फुटबॉल लीग जो शुरू हो रहा है इससे, इसमें हमारे टीम भी है आश्रम का टीम और इसका पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है भिला स्टील प्लांट से कर रहे हैं। भिला स्टील प्लांट के सपोर्ट में ही हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट अरेंज करना या फिर हमारे टीम को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको पूरा पूरी प्रोवाइड करना ये हमारे आश्रम के लिए संभव नहीं था अगर भिला स्टील प्लांट हमको सपोर्ट करते नहीं करते। तो भिला स्टील प्लांट के सपोर्ट से ही हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। बच्चों में जो प्रतिभा है वो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जो अबूझमाड़ के जो आदिवासी बच्चे उनको प्रतिभा को सामने लाने के लिए हमारा ये प्रयास है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी छत्तीसगढ़ और द डायमंड रॉक फुटबॉल क्लब मध्य प्रदेश के बीच खेला गया जिसमें द डायमंड रॉक फुटबॉल क्लब ने 0 के मुकाबले 1 गोल से जीत हासिल की। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी पहुंचे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। देश में कोविड के 267 नए मामलों की पहचान हुई। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं टीकाकरण शिविर। और भिलाई में आज से शुरू हुई यूथ कप फुटबॉल प्रतियोगिता, देश भर की टीमों के खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।